माइंड शुरू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आइए हम लोग न्यूरॉन्स के फार्मूले से संबंधित एक प्रश्न और करते हैं ताकि एकदम क्लियर हो जाए। देखिए, आप लोग इस तरह के प्रश्नों को देख करके थोड़ा घबराते हैं, जैसे कि कुछ छाता दे दिया, छाते में कितने कपड़े लगे हैं, कैसे हम निकालें, ये तो दिक्कत हो गई। अब देखिए प्रश्न में कैसे पूछ रहा है, ये कह रहा है कि एक छाता 10 त्रिभुजाकार कोण को जोड़कर बनाया गया है जो दो रंगों में है। छाता दो रंगों का है, प्रत्येक कपड़े की माप दे दिया है, प्रत्येक कपड़ा जो है 20 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर तीनों त्रिभुज की भुजाएं हैं, इस तरह से है इसकी माप। प्रत्येक रंग के कितने कपड़े रखने चाहिए ताकि छाता तैयार हो जाए, कितने कपड़े का मतलब होता है उसका क्षेत्रफल, कपड़े की पूरी माप उसका क्षेत्रफल कितना रहे। अब देखिए यहाँ चित्र में देखिए ये छाता बन गया है और ये त्रिभुज के रूप में 1, 2, 3, 4, 5 इधर दिख रहे हैं और 5 पीछे साइड में होंगे, कुल 10 है। तो एक मान लीजिए कोई हरे रंग का है, दो रंग का है, तो एक रंग का ये है, एक रंग का ये है, यानी कि आपको क्या लगा 5-5 प्रत्येक रंग के कपड़े हो गए, त्रिभुजाकार जो है वो 5-5 टुकड़े हो गए। अब आइए इनको हल करते हैं। देखिए इस जो एक त्रिभुज की माप है वही सारे त्रिभुजों की माप है, तो एक त्रिभुज की माप जो दिया गया है उसकी मदद से आप इसका क्षेत्रफल निकाल देंगे और क्षेत्रफल निकालने के बाद चूँकि एक रंग के कपड़े का के 5 टुकड़े हैं तो 5 से गुणा कर देंगे उस रंग के कपड़े का पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा और दूसरे का रंग का भी इतना ही होगा, क्योंकि वो भी ऐसे ही 5 त्रिभुजों में है, बस यही आपको करना है। अब देखिए हम लोग यहाँ करते हैं, एक त्रिभुज के लिए किसी एक त्रिभुज को निकाल लेंगे, मान लीजिए हरे रंग का है, तो उसके लिए एस का मान निकाल लेंगे, ये आपको पहले भी पता है कैसे निकालते हैं कि 60 सेंटीमीटर आ गया। अब उस एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्षेत्रफल में रूट में आपको फॉर्मूला पता है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो S की जगह पर 60 है और 60 माइनस 20, 60 माइनस 50, 60 माइनस 50 यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो चुकी है। इसको देखिए पहले तो इसको हल कर लेंगे, बस ये 60-40 आ गया, यहाँ 10 और ये 10, इसको आप फैला लेंगे, 10 को आप रहने दीजिए ताकि 10 सही है, तो 10 10 10 निकलेंगे निकल जाएगा पेयर बना के। अब इसमें से पेयर बनाएंगे तो 10 10 के लिए 1 10 आ गया, फिर 2 10 के लिए 1 10 यहाँ आ गया, फिर ये 2 2 12 है उसके लिए आ गया और जो बीच में रह गया उसका मल्टीप्लाई करके 2 3 6 यहाँ में ही रख लें, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर है 0 डिग्री, ये हो गया 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, ये एक त्रिभुजाकार भाग का है, कपड़े का क्षेत्रफल है, 5 ऐसे ऐसे हैं, मान लीजिए हरे रंग का है तो 5 है हरे रंग वाले, तो 5 का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें गुणा कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे तो 5 × 200 × 6 ये हो जाएगा 1006 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी 1000 क्या आ गया, केवल हरे रंग के टुकड़े जितने हैं उनका क्षेत्रफल और दूसरा जो रंग है उसका भी इतना ही है, तो यहाँ आपका उत्तर क्या होगा, यहाँ जो जैसे पूछ रहा है वैसे उत्तर देना है, ये ध्यान रखें प्रत्येक रंग के कितने कपड़े लगेंगे, तो यहाँ आपका उत्तर उस हिसाब से होगा, प्रत्येक रंग के कपड़ों का क्षेत्रफल या माप आप लिखेंगे 1000।